চট্টোপাধ্যায় ফ্রম দুর্গাপুর ওয়েস্ট বেঙ্গল। আই কোয়ালিফাই সিএসআর নেট উইথ অল ইন্ডিয়া র্যাঙ্ক 55। তো থ্যাংক ইউ ম্যাম অ্যান্ড থ্যাংক ইউ স্যার, ইউর নোটস অ্যান্ড ইউর লেকচার্স আর ভেরি হেল্পফুল টু মি অ্যান্ড ইটস ফান টু অ্যাকচুয়ালি ইটস মানে বহুত জ্যাদা মজা আয়া আপ লোগো সে পড় কে আর উসকে সাথ কোয়ালিফাই ভি কর গিয়া। आपको मजा आया, हमें जानकर अच्छा लगा कि चलिए भाई पढ़ाई में बच्चों को मजा भी आता है। सो ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू मैम। हेलो मैम। Hello sir. And sir, I want to talk to you. Birendu Singh sir, I just one time I get a kya bolte hai usko lambda plus kar raha hai. Hey, just calm down, this is not at all a formal interview. Aram se aapki tarah hi hai sab log yahan par, just be relaxed, ek lambi saans bhariye aur jo man chahe wo bol sakte. यहाँ पे किडनी नहीं तोड़ूंगा, डोंट वरी। एक बार गवाड़ा का मुखिया भी अवार्ड आपसे पाया है मैंने। आओ, अच्छा आपने वो वाला जो मुखिया वाला टैग था आपको मिला था। चलो ठीक है, वो जिंदगी भर याद रहेगा, किसी ने आपको जो है वो मुखिया का टैग दिया था, वो आपको मोटिवेट भी करता रहेगा कि दोबारा ना मिले। ठीक है। ओके, कांग्रेचुलेशंस। हां जी, नेक्स्ट। हेलो मैम सर, गुड आफ्टरनून। गुड इवनिंग जी वैष्णवी बोलिए। यस, वेरी गुड इवनिंग। आप मेरी आवाज आ रही है सर? जी जी आ रही है। मैम मुझे तो बहुत थैंक यू बोलना है आपको, सबको और मैम दोनों लोगों को। मेरा तो एक्चुअली पूरा गोल ही नहीं था कि मुझे पीएचडी करनी है। जैसे बोलते हैं किडनी तोड़ना, तो मेरा तो डायलिसिस फील्ड था कि मैं डायलिसिस लेक्चरर थी, मैंने डायलिसिस का डिप्लोमा किया हुआ था। आपको मैंने एक बार लाइव क्लास में बताया था, सबको भी बताया था। तो मैं तो जॉब कर रही थी अमेठी में से प्रॉपर, फिर मैंने सोचा कि ठीक है जॉब छोड़ते हैं, ट्राई मारते हैं। फिर मैंने अभी एमएससी कर रही थी पीपल से। मैं तो मैम बीएससी भी कभी कॉलेज नहीं गई हूँ, एमएससी भी कभी कॉलेज नहीं गई हूँ, बीएससी सेकंड डिवीजन पास हूँ, एमएससी भी मेरा ऐसे ही हो गया। फिर मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था ऐसे ही मजे मजे में, चार पांच यूनिट पढ़ी थी, तो मेरा 93% आया था। इस बार फिर मैंने थोड़ा सीरियस होकर दिया था कि ठीक है कर लेते हैं, तो मेरा 97% आया, 97.6, और रैंक आई है 180। तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। चलिए बहुत बहुत बधाइयां आपके इस अचीवमेंट के लिए। मैं आपको और सर को बहुत बहुत थैंक यू बोलना है। मैं तो सफर में ऐड करती हूँ कि अकेडमी से पढ़ो, मैम से पढ़ो, सर से पढ़ो। सर अपना 50% सैलरी सर वैष्णवी को दे दीजिएगा प्लीज। चलिए, तो मेरे साथ फील्ड ही है किडनी, तो मेरे को तो बनता है। बिल्कुल बनता है, आपके साथ नाइन साथ ही क्यों सर? आप दे रही है मैम, लेडीज फर्स्ट पहले बोला जाता है, तो आप शुरू करिए, मैं पीछे पीछे दे दूंगा आधी सैलरी। नहीं सर, इसमें हर जगह थोड़ी लेडीज फर्स्ट होगा सर। देखिए हम इक्वालिटी में बिलीव रखते हैं सर, कभी कभी जेंट्स फर्स्ट भी करना चाहिए। तो इस बार सर आप आ गई, अगली बार हम आ गए। मैं गूगल पे और फोन पे जिसका भी क्यूआर कोड मांगेंगे मैं सर दे दूंगी। ठीक है, बिल्कुल। मैं जैसे सैलरी मिलती है मैं जो उसका 50% क्रेडिट कर दूंगा, पहले मुझे तो मिल जाए वो भी जरूरी है। नहीं मतलब इतनी ऐसे आसानी से निकल गया सर, ऐसे आसानी से निकल गया सर। तो लफड़ा लोचा वाला तो नहीं है ना, इधर लोचा बहुत चल रहा है। स्कैम स्कैम स्कैम। लेकिन बहुत बहुत थैंकफुल आप लोगों को, आप लोगों की वजह से मेरा हुआ है। मैं तो बहुत भयंकर तरीके से आप लोगों को एडवर्टीजमेंट भी कर दी अपने कॉलेज में, अन अकेडमी ही लेना, अन अकेडमी ही लेना। तो थैंक यू सो मच सर और मैम। मेरी मम्मी भी आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहती है एक्चुअली। चलिए उनको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाइयां दे दीजिएगा आपके इस सफलता के लिए। अभी वो आपके साथ जुड़ी है क्या? आना चाहती है। हाँ मतलब बिल्कुल लेके आइए सर, आना चाहती है तो। एक सेकंड मैम, ये लीजिए। नमस्ते आंटी। हेलो आंटी। मेरे काम आपका जिन्होंने मुझे पढ़ाया आप वजह सबका जी, आपको भी बहुत बहुत बधाइयां इतनी बड़ी सफलता के लिए।
आई थिंक थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा है. ठीक है आंटी जी. हेलो. और भी लोग हैं. हाँ हाँ थोड़ा सा. हाँ हाँ हेलो. हाँ जी हाँ जी. कौन है मैम? आ रही है मैम. जी जी आ रही है. बोलिए. गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग मैम. मैं एक हाउस वाइफ हूँ और एक ट्यूशन चलाती हूँ मैम. और मेरा LS क्लियर हुआ है बस आपके लिए मैम. 55 रैंक आया. मैंने आपको मेल किया था मैम. बहुत सारे मेल पेंडिंग अभी. हाँ और मैंने सर को भी भेजा था. सर को मैंने व्हाट्सएप पे भेजा था. पता नहीं सर को वो नंबर सही है कि नहीं. नहीं होगा. अगर आपको रिप्लाई गया होगा तो होगा. और कुछ लोगों के रिप्लाई तो जा भी नहीं पाते. मेरी आवाज ठीक आ रही है ना? क्योंकि एक्चुअली कोल्ड हुआ है तो मुझे मेरी आवाज सुनाई भी नहीं दे रही है कि हो मैं बोल कैसा पा रहा हूँ. ठीक है ओके. तो कांग्रेचुलेशन. मैंने सोचा था कि क्लियर होगा तभी मैं मैम और सर से बात करूंगी. तो थैंक यू सर. थैंक यू मैम. चलिए एक तो एग्जाम के दिन ना मेरा फिंगर कट हो गया था यहाँ से पूरा. शायद इसी वजह से हुआ. मैंने प्रेशर नहीं लिया था. सोचा कि अच्छा आज तो कोई कुछ नहीं बोलेगा मुझे. मैं पढ़ नहीं रही हूँ. मैं बेहोश हो गई थी. ऐसे स्ट्रेटजी आप बताओ कि कल को हर कोई उंगली काट के जाएगा. कोई से नस काट ली तो गड़बड़ हो जाएगी. हाँ उस दिन विश्व बाबा पूजा भी था ना तो नारियल काट रही थी तो मेरा फिंगर कट हो गया. तो बेहोश हो गई थी फिर मैं. हो सकता है नारियल काटने की वजह से हुआ. ओके कांग्रेचुलेशंस. हु इज नेक्स्ट? मैम LS क्लियर हुआ. मैम JRF का एज नहीं था मेरा. चलिए कोई बात नहीं. आपका टारगेट भी तो LS था ना. मतलब यू जस्ट. हां हां यस यस. हेलो मैम एंड सर. हां जी. कौन बोला? ऋषिका जी बोलिए. गुड इवनिंग सर एंड मैम. हां हां बोलिए. गुड इवनिंग. आई क्वालिफाइड JRF 191 रैंक विद माय MSc. कैसे लग रहा है? अच्छा फील हो रहा है? मैं कॉलेज में मतलब अगर कोई बड़ी यूनिवर्सिटी से ना नॉर्मल दिखाने मेरा स्थान है नॉर्मल कॉलेज से तो उधर कॉलेज मतलब अनीता बोल रही हूँ मैं. जी अनीता जी बोलिए. थैंक यू सो मच मैम एंड सर. ओके आपका मेरा ये फोर्थ अटेम्प्ट था ये. अच्छा हर बार मैं बहुत पास से गुजरती थी. मेरा होता नहीं था इस बार. हो गया. हाँ मैं 98% लिए है और 172 मेरी रैंक रही है. कांग्रेचुलेशन. चलिए बहुत बहुत बधाइयाँ. कई सारे मैरिड लोग क्वालिफाई करते हैं तो कितनी खुशी मिलती है. मतलब दे आर लाइक इंस्पिरेशन फॉर मेनी पीपल्स व्हेनेवर आई सी की जो मैरिड खासकर वुमेन होती है. क्योंकि मैन के आगे कभी हाउस हस्बैंड नहीं लगता लेकिन वाइफ के आगे हाउस वाइफ लगता है. तो पूरे फैमिली को चलाती है. उसके बाद भी जो पढ़ाई करके क्वालिफाई करना आई रियली रिस्पेक्ट दैट. मतलब हैट्स ऑफ. थैंक यू सर. बहुत बहुत बधाइयां आपको. और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर काम करती थी. मेरे 3 साल का मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस है. चलिए बहुत अच्छी बात है. कांग्रेचुलेशंस. पढ़ते हुए मैंने पढ़ाई करी है और अभी मेरी शादी हुई है. शादी के एक वीक बाद रिजल्ट आया है. वाह क्या बात है. डबल डबल बधाई है आपको. हाँ और मेरी दोनों फैमिली है ना इतनी खुश है. दोनों नौकरी लग गई है सब बोलते सब. चलिए खुशी का एक्चुअल में मौका भी है. एक बात और मैंने अपने मैंने 10 अपने स्टूडेंट को अकेडमी का कोचिंग दिलवाया है. क्या बात है. एक साथ एक ही सब्सक्रिप्शन में कि अलग अलग. हाँ और आप का एक कोड फॉलो करवाया.
ओके आधा काम तो आप लोग हमारा कर रहे हैं लग रहा ओके मैम कांग्रेचुलेशंस मैम गुड इवनिंग मैम हाँ जी गुड इवनिंग हेलो हेलो अच्छा एक बार को एक बोलिए मैंने सबका सिर्फ हेलो 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 ही सुनाई देगा जी डॉक्टर खुशबू जी चलिए आपसे शुरू करते हैं आप बोलिए गुड इवनिंग मैम गुड इवनिंग सर आई हैव ऑलरेडी हेलो मैम एम आई ऑडिबल जी मैम मैंने भी एनएस क्वालिफाई किया विद ऑल इंडिया रैंक 96 और मेरी पीएचडी भी कंप्लीट हो चुकी है भी जून में मुझे अवार्ड हुआ है और क्योंकि एनएस रिक्वायर्ड था तो मैंने अभी जुलाई में अनअकैडमी ज्वाइन किया था और पता नहीं मुझे पहले लगता था पता नहीं शायद मैं क्वालिफाई नहीं कर सकती हूँ बिकॉज आई एम मैरिड आई हैव टू डॉटर एक मेरी बड़ी बच्ची क्लास 9th में है और एक क्लास 3rd में है तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा था तो वाइल ड्यूरिंग पीएचडी मुझे थोड़ा सा ये लग रहा था कि मैं शायद नहीं कर पाऊँ बट मुझे क्विक रिविजन चाहिए था मैंने जुलाई में और 2-2.5 months का रिजल्ट चाहिए मुझे एलएससी चाहिए था क्योंकि एज भी नहीं था और मुझे मेरी डॉक्टरेट हो चुकी थी तो मुझे जेआरए भी नहीं चाहिए था तो मुझे एलएससी चाहिए था और अच्छा रैंक आ गया मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी और ऑल द क्रेडिट गोज टू मैम एंड वीरेन सर वीरेन सर तो मैंने ज्यादा तो नहीं बट मॉलिक्यूलर बायो एंड सेल बायो किया था बाकी सारा मैंने मैम आपसे ही किया था और सबसे बड़ी चीज मैं बोलना चाहूंगी आपसे आपने जो डेवलपमेंट बायो पढ़ाया था ना मैम मतलब मैंने एनएससी के बच्चों को पढ़ाया मैं मेडिकल बच्चे से पहले पढ़ाती थी लेकिन जो डेवलपमेंट बायो मैंने आपसे पढ़ा ना वो कंसेप्ट मुझे आज तक कहीं से नहीं मिला था तो उसके लिए तो बहुत बहुत थैंक्स मैम और जैसे सब लोग बोल रहे हैं ना कि अनअकैडमी ज्वाइन करो मतलब मैं ज्योति मैम इतनी बड़ी फैन हूँ मैं सबको रिकमेंड कर रही हूँ बस कहीं मत जाओ कुछ मत करो जहाँ बैठे हो वहीं से बैठ के पढ़ो और काइंडली फॉलो देम जैसे भी फॉलो करना है थैंक यू मैम थैंक यू सो मच फॉर बोथ ऑफ अस एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर थैंक यू मैम यस मैम थैंक यू गॉड गुड इवनिंग सर हेलो मैम हाँ जी आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज यात्रीगण कृपया ध्यान दे कितने लोग यहाँ पे दिल्ली से हैं कोई है अगर नहीं है तो जो लोग भी दिल्ली से हैं मे बी प्रोबेबली 2nd of December को जो है दिल्ली के अनअकैडमी सेंटर पे एक मीट होने वाला है जहाँ पे मैं अवेलेबल मिलूंगा आपको तो आप आ सकते हैं इफ यू आर इन दिल्ली ठीक है तो मैं अभी भी दिल्ली में हूँ बट वो मीट अनअकैडमी के सेंटर पे होगी तो आप आ सकते हैं इंटरेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ज्यादातर नॉन क्वालिफाइड लर्नर्स आएंगे बट यू कैन ऑल्सो कम ठीक है कम से कम इसी बहाने जो उनको दिखा सकते कि देखो ये क्वालिफाइड है ये भी हमारे साथ जुड़े तो आप भी कुछ टिप्स दे सकते हो उनके लिए कि ऐसे पढ़ना है वैसे पढ़ना है ठीक है गुड इवनिंग सर एंड मैम हाँ जी नेक्स्ट हेलो हेलो मैम एक एक करके अनिकेत दे आप शुरू कीजिए फिर हम आपके पास आएंगे मैम अनिकेत दे यस 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 ओके मैम फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच टू यू एंड सर मैम मेरा इस बार जे आर एफ किया हुआ है विद AIR 49 एंड मेरा परसेंटाइज था 99.87 सो ऑल थैंक्स टू यू एंड सर स्पेशली आप लोगों का गाइडेंस आप लोगों का नोट्स एंड ट्रिक्स जो भी था मतलब इतना कॉन्फिडेंस था इतना बूस्टअप कर दिया था मेरे को मतलब इस बार तो एग्जाम देने से पहले ही मुझे मतलब कॉन्फिडेंस जिंदा था मुझे पता था इस बार मतलब जे आर एफ हो जाएगा और ये बार मेरा मतलब लास्ट टाइम भी था ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट था मेरा थोड़ा फैमिली इश्यूज एंड थोड़ा बहुत प्रॉब्लम वगैरह था तो ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट था तो मतलब गिव अप तो नहीं करना था इस बार मतलब मतलब जे आर एफ क्रैक ही करना था तो हो गया तो कॉन्फिडेंस इतना दे दिया था आप लोगों का नोट्स ने और गाइडेंस ने सर ने तो हमेशा ऐसे ही बोलता था गिव अप तो नहीं करना है तो नहीं किया था गिव अप थैंक यू सर थैंक यू मैम
कॉन्ग्रेचुलेशंस अनिकेत एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर. कभी भी कोई समस्या होती है तो मेरे पास बिल्कुल मत आइएगा. सर जाना तो आप लोगों के पास ही है ना. ठीक है, और आगे पीएचडी वगैरह में अगर इनरोल कर ले तो फटाफट इनरोल कर लीजिए, क्योंकि कोई फायदा नहीं है ज्यादा समय वेस्ट करने का. क्वालिफाई करने के बाद कई लोग क्या करते हैं, क्वालिफाई करने के बाद 6 महीने 12 महीने वेस्ट कर देते हैं, तो वो काम मत करिएगा, उससे नेगेटिव इम्पैक्ट आता है आपके उस पीएचडी वगैरह में. ठीक है, ओके, कांग्रेचुलेशंस. हाँ जी स्वीटी बताइए. अल्फाबेटिकल मैम ले लेते तो बेटर रहेगा, नहीं तो ऐसी खिचड़ी चलता रहेगा. अल्फाबेटिकल शुरू कर देते वो बेटर रहेगा. अल्फाबेटिकल शुरू करें क्या, सबको बात करने में इंटरेस्टेड है? नहीं तो जो नहीं होगा वो नहीं आएगा सामने, बाकी आप आगे बढ़ते चले जाएंगे. आप अपने अच्छे से अनाउंस करेंगे मेरे साइड से? हाँ, अनाउंस कर दीजिए. अल्फाबेटिकली आप वहाँ से क्या अरेंज कर सकते हैं? मेरे यहाँ पे तो पूरा हैप्पी मैनर में अरेंज होते हैं. हाँ सेम हियर. ओके, आंसी एडी करके कोई है बोलना चाहता है कुछ? अगर जो लोग बोलना चाहते हैं वो अपना माइक ऑन कर लेंगे जैसे उनका नाम आएगा, और जो नहीं बोलना चाहते वो चुपचाप पड़े रहेंगे, पता नहीं लगने देंगे कि आप हैं मीटिंग में. आंसी सिंह कुछ बोलना चाहती हैं आप? अजय कुमार, कुछ लोग तो क्वालिफाइड भी नहीं होंगे ना, सिर्फ मजे के लिए जुड़े होंगे मुझे पता है. अनम वाजिद, गुड इवनिंग सर, कांग्रेचुलेशंस. माइक, कांग्रेचुलेशंस. यस मैम, आप मुझे होपफुली जानती होंगी, मैंने आपको पूरा लैपटॉप भी बहुत डिस्टर्ब किया हुआ था. यस बिल्कुल, हमें डिस्टर्बिंग स्टूडेंट बहुत अच्छे से याद रहते हैं. मैंने मैम को अगर रात के 1 बजे भी मेल कॉल करा है, जिनने मेरे उसी टाइम याद किया है. चलिए, आपको आपका सीएसआर क्लियर हो गया, बहुत अच्छा लगा जान के कि आपकी मेहनत जो है रन अप कराई. ओके, कांग्रेचुलेशंस. थैंक यू सर. सर आपकी बायोकेमिकल लेक्चर बहुत अमेजिंग होते हैं, बहुत ज्यादा. ओ रियली, थैंक यू सो मच. यस सर, कांग्रेचुलेशंस. और सर मुझे आपसे एक चीज पूछनी है. हां सर, आप सर आपके माइंड में सारी चीजें कैसे स्टोर रहती है? मतलब आप बिना 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 पीपीटी के पूरे पूरे लेक्चर दिखा देते हैं. चिट्टी 3.0, 1 GB मेमोरी, 3 GHz जो है प्रोसेसर, वो रखे हूँ मैं अपने माइंड में. देखो, इट्स ऑल अबाउट इंटरेस्ट. व्हेनेवर यू हैव इंटरेस्ट इन एनीथिंग यू विल मेमोराइज फॉर दैट. जैसे जिस बंदे में इंटरेस्ट होता है ना, उस बंदे की हर आदतें याद होती है, हर बातें याद होती है. जिसका इंटरेस्ट नहीं होता ना, वो हमें गोबर लगता है, वही हालत है. इंटरेस्ट पढ़ाई में, मतलब जिस भी चीज में. हाँ जी सर, आपको कितने सारे यूनिट्स में इंटरेस्ट है? आपको सब यूनिट्स के साथ ही? मेरे को यूनिट्स नहीं, मेरे को हर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है एक्सेप्ट वन, दैट इज जियोग्राफी. मैं जब यूपीएससी पढ़ता था, मुझे उसमें भूगोल याद नहीं होते थे, कहाँ पे कौन सा नक्शा है. अदरवाइज मेरे को हर एक सब्जेक्ट, हिस्ट्री इज वन ऑफ लाइक, कि इतना मजा आता था. ठीक है, मैं तो सोचता हूँ कि मैं जो है संजय लीला भंसाली से मिलूं और मैं उनसे बताऊं कि कुछ ऐसे भी चीजों पे भी मूवी बनाइए. ठीक है, तो पढ़ते रहिए, पढ़ाई इंटरेस्टिंग है, कोई दिक्कत नहीं है, आनी चाहिए अगर आप इंटरेस्ट लेंगे तो. थैंक यू सो मच, कॉन्ग्रेचुलेशन अनम. अनन्या मोहन. हेलो, मैं अल्फाबेटिकल नाम ले रहा हूँ. आप लोग अपने सभी लोग माइक बंद रखेंगे, जिसका नाम आएगा जो बोलना चाहता है वो माइक ऑन करके बोल लेगा, और जो नहीं बोलना चाहता वो चुपचाप पड़ा रहेगा. ठीक है, और आज के दिन तो कोई 100 से नीचे कम भी नहीं हो रहा, लोग आ रहा है जा रहा है, आ रहा जा रहा है. नाउ अनिकेत हो गए थे, अंकिता बेहरा, ओके, अंकु गोगो, अच्छा है अंकिता. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग मैम. यस अंकिता, वेरी गुड इवनिंग मैम. सर मेरा 1 सेकंड के बाद एयर से क्वालिफाई हुआ है.
सर सर थैंक यू सो मच सर फॉर टू यू आई लव यू सर बायोकेमिस्ट्री एंड मेथड तो मतलब मैं जीरो से हीरो तो नहीं लेकिन बहुत ही आगे बढ़ गए क्योंकि ये दोनों टॉपिक मेरा पूरा दिलो तो बैल था लेकिन अभी आपके वजह से मेथड का बायोकेमिस्ट्री बहुत ही ज्यादा क्या यूजफुल हो रहा है लाइक और नाम के लिए जो प्लांट फिजियो डेप बायो इस बार तो एग्जाम में भी डेप बायो बहुत सारे क्वेश्चन भरे पड़े थे तो मुझे लगता है शायद डेप बायो की वजह से ही मेरा क्लियर हुआ है और तो एक पुराने रिक्वेस्ट था कि अभी तो गहरे पढ़ते हो गए हैं लेकिन उसके बाद मेन्स का भी इंटरव्यू वगैरह है तो आप एक वीडियो अगर बनाते हैं कि कैसे हम इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करेंगे और क्या क्या क्वेश्चन आते हैं और टॉपिक अभी क्या क्या थोड़ा हेल्प कर दे तो वो यूजफुल रहेगा जाको राखे साइया मार सके ना कोई जब सर्च करोगे यूट्यूब पे तो हर वीडियो वहीं पे प्रेजेंट होए कई वीडियोस ऑलरेडी बन चुके हैं वहाँ पे और मैं कोशिश एक बार इस सोच रहा हूँ कि अगर थोड़ा सा समय मिलेगा तो आई विल टेक वन सेशन नॉट रेड द वीडियो जो लोग इंटरेस्टेड होंगे मैं एक दो दिन पहले इन्फॉर्म करके एक छोटा सा क्योंकि कई सारे पेड वर्कशॉप्स होते हैं चीज़ें होती मैं एक फ्री वर्कशॉप के तौर पर जो है ले लूँगा जो लोग इंटरेस्टेड होंगे खासकर अपने जो लर्नर्स हैं तो कैसे SOP बनाना है कैसे इंटरव्यू के लिए टारगेट करने हैं वो क्या क्या चीज़ें हैं जो अपने माइंड में रखनी है तो आई एम प्लानिंग बट अभी क्या है कि शेड्यूल इतना टाइट है जैसे समय मिलेगा आई विल इन्फॉर्म दैट बिफोर 1 or 2 days ठीक है थैंक यू ओके ऑल द वेरी बेस्ट कांग्रेचुलेशंस अंकु गोगोई ओके आरिबा खान देखो किसी का नाम अगर मैं गलत पढ़ लिया तो जो है मुझे माफ कर देना गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग मैम गुड इवनिंग सर शायद आपने मेरा नाम भी पहली बार ही सुना होगा मैंने आपके साथ रिकॉर्डिंग क्लासेस करी है हाँ ये बात सही है मेरा LS क्वालिफाइड ओके कांग्रेचुलेशंस यस सर या यार 74 तो मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने सितंबर का तो टारगेट नहीं किया था दिसंबर ही किया था बट आपकी वजह से हो गया और मैम की वजह से डेप बायो बहुत अच्छे से और सर केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री तो मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ी थी लाइक BSc में मेरा ऑनलाइन सेमेस्टर था जब बायोकेम था हमारा तो उसमें हमें कुछ नहीं पढ़ाया था उसके बाद MSc में भी मेरा लेट एडमिशन हुआ था तो उसकी वजह से कवर नहीं हो पाया था कॉलेज में तो आपने बहुत अच्छे से क्लियर करा दिया थैंक यू सो मच बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आरिबा एंड ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट एग्जामिनेशन JRF क्रैक करिए नेक्स्ट आरती सोनी नमस्ते सर एंड नमस्ते मैम सर मेरा क्वालिफाई हुआ है सर LS हुआ है मेरा सर दोनों की वजह से हुआ है बहुत बहुत थैंक्स कितना स्माइलिंग फेस है आपका ना मेरे को लग कितने मतलब चार्मिंग कुछ लोगों के चेहरे होते हैं सारी टेंशन दूर हो जाती है मेरे को लग मैंने थोड़ी एग्जाम में आपकी जगह बैठा था आपकी मेहनत के वजह से हुआ है हमेशा ये ना बोले हमारी वजह से हुआ है आपने मेहनत करी तो आपकी मेहनत सर अगर तैयारी नहीं बात सही है हम लोग सिर्फ आपको गाइड करते हैं मेहनत आपकी होती है आप भी खुद को अप्रिसिएट करें दो चार रसगुल्ले खरीद मैं पूरा तो आपकी है जो काम कर रहे हैं मैम मुझे तो नहीं लगता था कि मेरा होगा लेकिन इस बार LS हुआ है लेकिन हम फर्दर आए थे JRF मैम लगे अभी BEd भी मैंने मेरे से था इस बार नहीं होगा मेरा तो मैंने BEd का फॉर्म डाल दिया था फिर सर उसके बाद इधर जो LS हो गया तो अब BEd भी नहीं छोड़ सकते पैसा लगा है ज्यादा कोई बात तो मुझे क्या करना चाहिए अभी क्या करना चाहिए पैसा लगा तो एग्जाम तो दे ही दीजिए नहीं घर वाले कोर्ट देते हैं है ना अब बाकी अगर आपका सपना CSIR है तो उसके लिए लग जाइए थोड़ा अगर कहीं प्रोफेसर की असिस्टेंट प्रोफेसर पे जॉब मिल रहा है तो करिए या तो JRF करना है तो उसके लिए एक ट्राई आप दे सकते हो अगर आप LS क्वालिफाई कर सकते हो तो यू कैन क्वालिफाई JRF एज वेल सो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इफ यू हैव अ चांसेस यू कैन टेक वन मोर स्टेप लाइक एक बार तो अपने आप को मौका देके देखो आप सर मुझे PhD करनी है मेरा बहुत मन है PhD करने का
लैब में बहुत अच्छा लगता है काम करते हुए, और मुझे प्रैक्टिकल में बहुत इंटरेस्ट है, मुझे करके सीखने में ज्यादा मजा आता है। बीएससी एमएससी के प्रैक्टिकल हॉबीज की तरह होते हैं, हॉबीज जब ड्यूटी बन जाती है ना तो फिर वो अच्छा नहीं लगता है। ये बी एस सी एमएससी तक, पी एच डी में जाने के बाद प्रैक्टिकल्स फिर मन नहीं करता कुछ, फिर पेपर 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 इतना आ जाएगा सर पे। बट ठीक है, इंटरेस्ट है आपका, अच्छा है, आप जरूर कोशिश करिए जे आर एफ के लिए और आगे पी एच डी। चल आगे आप दोनों लोग गाइड करेंगे जैसे कभी हालत हुई मैम करिए सर अभी तक जैसे कि हम ना कह देंगे और आप हमें बख्श देंगे, ऐसा होगा नहीं तो सर आप दोनों लोग तो हमेशा आप मदद करते हैं सर। आप मैं मदद करने के चक्कर में जेल भी जाने के कगार पे आ चुका हूँ। नहीं सर ऐसा नहीं होगा सर, आपको पता है सर ने पूछते ही कहा से प्रिपरेशन किया कहा से, फिर हम बोलते ज्योति मैम और प्रेम सर है कहते अरे उनको तो हम जानते ही है पहले से, तो पढ़ना शुरू कर दीजिए। ओके चलिए ऑल द बेस्ट आरती एंड मेहनत करिए, जहां भी जरूरत होगी वी विल बी देयर। ओके कांग्रेचुलेशंस। नमस्ते सर। नमस्ते सर, मेरी लड़की आपको बोलना चाहती है कुछ। बोलिए सर, बुलाना पड़ेगा हमें। हाँ बुलाइए, तब तक अलीशा जी कुछ बोलना चाह रही थी, बताइए अलीशा मैम, आपका नेटवर्क इशू था। आ जाएगा, अच्छा टर्न आ जाएगा, इतना टेंशन नहीं लो, 100 लोग ही हैं, है ना। 100 लोग नहीं सर, 18 तक मीटिंग में चल रहे हैं, पता नहीं कौन है। नहीं आ जाएंगे, टेंशन बारी बारी अपने जो लोग देर में आएगा ना वो ज्यादा फन करता है, शुरू शुरू में तो हम जल्दी जल्दी निकालते हैं, फिर आखिरी में आपसे गाना गवाएंगे हम, तो इंतजार जो आखिरी में आएगा वो बढ़िया है, जो लोग लास्ट वाला। मैं भी बी वाला हूँ, सोचो आपके पीछे बैठता था मैं अल्फाबेटिकल में, ठीक है ना, तो मेरे को भी बहुत इंतजार। कहाँ गई अलीशा जी, चली गई लग रहा अगला। हाँ नमस्ते जी, नमस्ते, बहुत बहुत बधाइयां आपको आपकी बेटी की सक्सेस के लिए। कितने पेरेंट्स कितने मासूम होते हैं, कितने मतलब वो हमको दिख रहा है, उनके चेहरे से उनकी खुशी हमको दिख रही है, काफी मतलब खुश भी हैं, काफी मतलब ठीक है। कांग्रेचुलेशंस एक बार फिर से आपको, बहुत बहुत बधाई। नमस्ते, नमस्ते मैम, नमस्ते सर। अलीशा कहाँ गई मैम, फिर कहेंगे सर मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम है। सर वो खराब नेटवर्क में से बट बात जरूर करेंगी। एक जम्मू एंड कश्मीर में थोड़े वाले हैं क्या, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। चलो ठीक है, आप नेटवर्क ठीक करें बेटा, कोशिश करें, तब तक आपको हम आपका नाम याद रख चुके हैं, अब मेरे को जिंदगी भर याद रहेगा, जब भी मौका मिलेगा मैं आपको जो मीटिंग में याद कर लूंगा। नेक्स्ट चलते भास्कर 360, सूर्य कुमार यादव अभी डिविलियर्स के बाद भास्कर आ गए। अच्छा पेस्ट पे मेरा हो गया, हो गया, अच्छा ओके। बोनोदीप चौधरी, चिन्मयी मोहंते, देव भारद्वाज। हेलो सर। हाँ जी हेलो, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। आई एम ज्योति मैम, मेरी प्रिपरेशन, मैं मेरा पूरा कोविड में मैंने एमएससी पूरा लिख के पास हुआ है, बस जब जब से अनअकैडमी ज्वाइन किया पहले कुछ 6 महीने चाहता था, बट मैं 1 साल की प्रिपरेशन लिया और इतना पढ़ाई किया कि 6 महीने में मेरा एमएससी हो गया मैम, ऑल इंडिया 157। थैंक यू सो मच मैम, अगर अनअकैडमी नहीं होता तो मेरा नेट नहीं निकल पाता, और बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का, कांग्रेचुलेशंस देव, बहुत एक्साइटेड था सर। अभी तक मैंने कभी लाइव क्लास में रेज द हैंड करके बात नहीं किया है, लेकिन सोचता था जिस दिन क्वालिफाई कर लूं मैं आप दोनों से जरूर बात करेंगे, तो करके ना थैंक यू, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत बधाई आपको, कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू सो मच जी। एक नई बी कैटेगरी में विजय लक्ष्मी, आप बोलना चाहेंगी मैम, देन आई विल मूव फॉरवर्ड।
यस सर मैं छूट गई सर एक्चुअली सर मैम मैं उड़ीसा से हूँ पर अभी लखनऊ में हूँ अभी पीएचडी कर रही हूँ मेरा फेब्रुवरी वाला क्लियर हो गया था जेआरएफ पर मैं ज्वाइन नहीं की कर पाई वीडियो कॉल तो मैं बदला ले रही हूँ कि अभी करना है इस बार बात करना है रिकॉर्डिंग में आना है तो कोटा फुल कर रही हूँ क्योंकि मैम जेआरएफ क्वालिफाई करने का दो रीजन थे पीएचडी करना था और ये मीटिंग में आना था तो पहला चीज तो हो गया दूसरा चीज करना था तो इसीलिए और मजे आ रहे हैं तारीफ अच्छी नहीं लगती है मेरे को समझ में आता रिएक्ट कैसे करना है ना बट ठीक है थैंक यू सो मच हाँ श्योर श्योर कंटिन्यू रखिए ठीक है मैगी बनाने जा रही हूँ ओके देवेश तिवारी नमस्ते सर नमस्ते सर मैं देवेश तिवारी एमएससी बाटनी बीएचयू से कर रहा हूँ अच्छा और सर आपसे बनारस में एक बार मिला रही हूँ सर वेस्टर्न स्ट्रीट में आपने हम लोग को पार्टी दिया था मीटअप किया था हाँ हाँ चेहरा याद आ गया मेरे को सर आप पोयम बियम से सुने थे हाँ 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 मेरे पास वीडियो पड़ी हुई है सर नमस्ते मैम जी नमस्ते नमस्ते देवेश मैम 97 रैंक आया इस बार मेरा इसी शहर में अरे क्या बात है बहुत बहुत बधाई आपको कांग्रेचुलेशंस तो कहाँ से पीएचडी कर रहे हैं मैम अभी मैं एमएससी कर रहा हूँ अच्छा अभी आपका हुआ नहीं एमएससी ओके ओके जी सर तो काफी जल्दी क्वालिफाई कर गए थैंक यू सर Congratulations and all the best for the future. Yeah. Thank you. बहुत बहुत बधाइयां देती हूं आपको and all the very best for your upcoming challenge. दीक्षा शर्मा दीक्षिता शर्मा गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग मैम गुड इवनिंग हाँ मैम मैं आसाम से हूँ एलएस हुआ है इस बार एलएस का 54 रैंक है जेआरएफ बाकी है फिर भी इस मीट पे आना लाइक दो साल से सपना था 2020 से आने का में थी तो तब से सपना था कि ये मीट में आऊंगी एक दिन लास्ट टाइम 96% आया था पर अनरिजर्व हूँ इसलिए क्वालिफाई नहीं हुआ तो इस बार तो आना ही था मतलब कुछ भी करके कुछ भी करके आना ही था जिद है तो जिंदगी है कांग्रेचुलेशन दीक्षिता एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर थैंक यू सो मच नेक्स्ट डीपी राजपूत इनके नाम क्या थे डीपी डीएसपी तो नहीं है हेलो हाँ जी हेलो गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग गुड इवनिंग हेलो हाँ जी यू आर ऑडिबल मेरा नाम दीपिका है सर मेरा अभी क्वालिफाई हुआ है लेकिन मैं अभी दो महीने से जॉइन की हूँ और आपने टीचर्स की मैं लाइव क्लासेस देखी हूँ और अभी मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट टाइम मैं भी क्वालिफाई कर दूँ कांग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर नेक्स्ट टाइम ज्वाइन कर क्वालिफाई करके आना फिर नहीं किडनी तोड़ दूंगा मैं जी बिल्कुल क्वालिफाई करके आएंगे ओके ऑल द बेस्ट नाउ नेक्स्ट डॉक्टर धर्मेंद्र शर्मा फर्नांडिस रीना फतेह सिंह गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग मैम गुड इवनिंग Hey guys, my name is Viren Singh. If you want to crack CSIR, you just connect with India's largest learning platform. So yes, we are here. I am the Virendra Singh and I teach CSIR Life Science on an academy platform.
आप सी एस आई आर लाइफ साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो जुड़ सकते हैं अनअकैडमी पे मेरे साथ और बी इंडियाज के टॉप एजुकेटर के साथ, जहां पे आपको मिलता है अनलिमिटेड लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज और इंडियाज के बेस्ट एजुकेटर। सो अनअकैडमी के ऐप को इंस्टॉल करिए, लॉग इन करिए और वहां से अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन को या तो प्लस या तो आइकॉनिक ले लीजिए, जिससे कि आपको क्या है कि बहुत सारे यूनिट्स, बहुत सारे एजुकेटर्स मिलके आपके सपने को पूरा कराएंगे। तो जी हाँ, चलिए मैं आपको बता देता हूँ मेरे बारे में कि इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको इसी के लिए जुड़ा हूँ। सो दिस इज मी, आई हैव एक्सपीरियंस लॉट्स ऑफ थिंग्स। सो उनमें से आई टीच सी एस आई आर लाइफ साइंस एंड मैं सी एस आई आर, डी बी टी, गेट, ये सब एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर चुका हूँ। आई एम द लीजेंड एजुकेटर इन दिस कैटेगरी इन द सी एस आई आर। माई पी एच डी इज रनिंग फ्रॉम आई टी बी एच यू। आई वॉज द गोल्ड मेडलिस्ट इन द बी टेक एज वेल एज इन द एम टेक। I was known for the interesting explanation and I was known for the trick master too. So I have guided more than 1000 qualified candidates. So aap mere sath Unacademy pe jud ke CSIR ka sapna pura kar sakte hain. Saath hi mein Unacademy Plus aur Iconic do tarike ke subscription Unacademy leke aaya hai. Plus mein aapko milte hain live classes, weekly test, structured courses, unlimited access. Ye sari cheeze Plus mein milti hain. In sab ke alawa Iconic mein कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मिलती है, जैसे स्टडी प्लानर है, एक्सपर्ट गाइडलाइंस है, टेस्ट एनालिसिस एंड पर्सनल गाइडेंस, पर्सनल कोच आपको मिलता है। एक बार अगर कंपैरेटिव बेसिस पे देखा जाए तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं प्लस में आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस और शेड्यूल्स मिलता ही मिलता है। आइकॉनिक में इन सब के अलावा जो है आपको पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, बूस्टर सेशंस एंड पर्सनलाइज डाउट सॉल्विंग भी मिलता है। सो आप अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हैं प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट। अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन चूज करना चाहते हैं तो 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ के लिए अवेलेबल है, जबकि प्लस सब्सक्रिप्शन 3, 6, 12 और 24 मंथ के लिए अवेलेबल है। अगर आपको कोई भी फर्दर क्वेरी होती है सीएसआईआर के सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड तो आप इस नंबर पर डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं और कोड जो है वो यूज कर सकते हैं विरन और विरन लाइव टू गेट द डिस्काउंट। सो प्लस क्लासेस जो कि मेरे स्टार्ट होने वाले हैं, जिसके लिए मैं आपको इस वीडियो में जुड़ा हूं, तो माय प्लस क्लासेस जो है स्टार्ट हो रही हैं 4th of July से। जी हाँ, 4th of July से जो है मेरे प्लस क्लासेस स्टार्ट होने वाले हैं, तो जुड़िए इस 4th of July से दिसंबर बैच के लिए, जिसमें यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 अभी स्टार्ट हो रहा है 4th of July से 5:30 और 8:30 PM पे, जो कि आप देख सकते हैं। इनको एक्सेस करने के लिए आपको अगेन जाना पड़ेगा कहाँ पे, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, और सब्सक्राइब करने के बाद मेरी क्लासेस में जुड़ना पड़ेगा। इसके साथ ही मैं कई सारे स्पेशल क्लासेस भी लेता रहता हूँ, आप उसमें भी देख सकते हैं। ये स्पेशल क्लासेस पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट होता है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, तो अनअकैडमी के ऐप पे मेरे साथ स्पेशल क्लासेस में जुड़ सकते हैं और फ्री एक्सेस कर सकते हैं कई सारे कंटेंट्स को। साथ ही में अनअकैडमी के ऑफर्स जो है वो लेके आए गए हैं, तो कई सारे ऑफर्स अनअकैडमी के चलते रहते हैं, तो दीज आर द अनअकैडमी स्पेशल क्लासेस जिनके साथ आप जुड़ सकते हैं और क्रैक कर सकते हैं सीएसआईआर को। ठीक है, कुछ ऑफर्स जो अनअकैडमी लेके आया है, उस ऑफर्स में से अनअकैडमी का 20% ऑफर जो है ये चल रहा है, और इस पर्टिकुलरली ऑफर के ऊपर बात करें तो अनलॉक 20 में 30 जून तक वैलिड है। इस ऑफर का फायदा उठाइए और अनअकैडमी लाइट का सब्सक्रिप्शन का भी फायदा आप उठा सकते हैं, तो अनअकैडमी लाइट के सब्सक्रिप्शन का भी जो है वो फायदा उठा सकते हैं। यूज करना है आपको रेफरल कोड विरन लाइव टू गेट द डिस्काउंट। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग, लेट्स क्रैक इट। बाय-बाय। वांट टू ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम, अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली इस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं जो यहाँ पे मेंशन है, या टेलीग्राम चैनल पे जो है unacademy/virensingh के साथ जुड़ सकते हैं, या सिर्फ आप virensingh सर्च करेंगे तो भी आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, तो इस टेलीग्राम चैनल पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो जुड़िए फॉर द नोट्स, फॉर द थिंग्स और फॉर द क्लासेस आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं फ्री क्लासेस स्पेशल में, प्लस जो 4 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।